यस प्रिय विद्यार्थियों, हम जो टॉपिक लेके चल रहे हैं उस टॉपिक में बात आती है कि कोई भी छंद है, छंद मायने कोई भी श्लोक है, उस श्लोक पर जो मैंने सूत्र दिया यमाता राजभान सलगा, इस सूत्र के माध्यम से हमने गण बनाए। गण बनाने के बाद उस गण के हमने एग्जाम्पल दिए, उन एग्जाम्पलों को हमें समझना है, और एग्जाम्पल समझने के बाद उन एग्जाम्पलों को हमें किसी भी छंद में एकजाई तौर से स्थापित करना है। तो उसमें मैंने पॉइंट टू पॉइंट आपको बताया था कि हमारे पास दो वस्तुएं होती हैं, पहला लघु वर्ण और दूसरा गुरु वर्ण। गुरु वर्ण ये मैंने आपको बता दिया, तो लघु वर्ण में किन किन वर्णों को गिना जाता है, जिन वर्णों पर कोई मात्रा नहीं होती है। जैसे मैं बता देता हूं, एग्जाम्पल है पावर्ण। इस पावर्ण पर कोई मात्रा है? नहीं है। हालांकि पा स्वर से संयुक्त होके ही बनता है, लेकिन बात है ह्रस्व मात्रा के निकट, पे ह्रस्व मात्रा कह सकते हैं अपन दीर्घ मात्रा के। जिन वर्णों पर ह्रस्व मात्रा पाई जाती है वे वर्ण लघु माने जाते हैं। ह्रस्व मात्रा कौन सी होती है? छोटो आ, छोटी ई, छोटा ऊ, विशेष करके इनको देखना है आपको। ये मात्राएं यदि किसी वर्ण पे हैं तो वह वर्ण लघु है, और इनके अलावा जितनी भी मात्राएं हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह आदि जितनी भी मात्राएं हैं ये किसी वर्ण पर हैं तो वह वर्ण गुरु माना जाता है। ये तो सिंपल सी बात है, जिस पे दीर्घ मात्रा वह गुरु, और जिस पे ह्रस्व मात्रा वह लघु वर्ण है। लेकिन और विशेष सही मायने देने के लिए हमारे पास गुरु वर्ण के नियम हैं। क्या हैं? गुरु वर्ण के नियम। लघु वर्ण का कोई नियम नहीं है, लघु वर्ण का केवल यही नियम है उस पे ह्रस्व मात्रा है वह लघु वर्ण है। अब जो हम आपके लिए बता रहे हैं गुरु वर्ण के नियम, गुरु वर्ण के नियम, इस पे हमें फोकस करना है कि गुरु वर्ण के नियम कौन कौन से हैं, किस तरीके से वर्ण गुरु हो जाता है। सुने तो पहला मैंने उसमें आपको नियम बताया, कल भी बताया था, संयुक्त। संयुक्त, संयुक्त वर्ण से पहला वर्ण, संयुक्त वर्ण से पहला वर्ण गुरु माना जाता है, भले ही उस पे दीर्घ मात्रा है या नहीं है। सकल उसकी भले ही लघु वर्ण वाली है, लेकिन उससे पीछे यदि संयुक्त वर्ण है तो वह वर्ण गुरु माना जाता है। एग्जाम्पल दिया था मैंने मस्त, मस्त शब्द लिख दिया, तो मस्त शब्द में आप देखें कि संयुक्त वर्ण कौन सा है। सा और त, ये दोनों वर्ण यदि ये मिले हुए हैं, ये क्या एक संयुक्त वर्ण हो गया। संयुक्त वर्ण से पहले मा वर्ण है, इस पर कोई मात्रा है क्या? आपको दिखाई दे रही होगी इस पर कोई दीर्घ मात्रा नहीं है।
क्योंकि हमने बताया था दीर्घ मात्रा वाला वर्ण गुरु होता है, लेकिन स्पेशल मात्रा ही नहीं है। तो मैंने क्या कहा है कि संयुक्त वर्ण से पहला वर्ण दीर्घ माना जाता है, गुरु माना जाता है। तो इसके लिए अपन चिन्ह देंगे, जैसे मावड़ के लिए गुरु है, इसके लिए अवग्रह चिन्ह देंगे। और यही मैंने बता दिया, कोई भी वर्ण संयुक्त होने पर गुरु नहीं हो सकता, बशर्ते उस पर यदि दीर्घ मात्रा नहीं है। तो दीर्घ मात्रा है तो ही गुरु होगा, दो वर्णों के जुड़ने से कोई वर्ण दीर्घ नहीं होता है। दूसरी बात मैंने आपको बताई संयुक्त वर्ण के बाद, दूसरा पॉइंट हमने आप हमको हम आपको दे रहे हैं, दूसरा वर्ण दूसरा नियम है इसके लिए दीर्घ मात्रा वाला। हालांकि मैं बता दिया फिर भी मैं नोट करा रहा हूँ, दीर्घ मात्रा यानी दीर्घ मात्रा यदि किसी वर्ण पे है, दीर्घ मात्रा में से बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ ए ऐ ओ औ अंग है, इन मात्राओं में से कोई दीर्घ मात्रा है तो वह वर्ण गुरु माना जाता है। जैसे मैंने लिख दिया का कबूतर पर ओ ओखली की मात्रा, तो ये दीर्घ मात्रा हो गई, तो ये कैसा वर्ण हो गया, गुरु हो गया। इसके बाद मैं आपसे बात करूं कि थर्ड पॉइंट हमने, हालांकि मात्राओं में जैसे अपन बता रहे थे अंग अंगूर की मात्रा होती है, घै खाली की मात्रा होती है, इसमें हमने नियम ही फोकस कर दिया। तीसरा नियम क्या दे दिया, अनुस्वार, अनुस्वार वाला नियम है। अनुस्वार इस तरह अनुस्वार होता है, अंक की बिंदी जाते के कोई भी वर्ण है उस पर यदि अनुस्वार पाया जाता है, क्या पाया जाता है, अनुस्वार, तो वह वर्ण गुरु माना जाता है। जैसे हमने लिख दिया पाठम है, तो ये ठा पे क्या है, अनुस्वार लगा हुआ है, तो ये ठा वर्ण क्या माना जाएगा, गुरु माना जाएगा। सभी नोट करते चलेंगे, मैं जैसे लिख रहा हूँ, लिखने के बाद जब ब्लैकबोर्ड पूरा हो जाएगा तो मैं मिटा दूंगा, तो आप नीचे क्रम से लिखते चलेंगे। अगला जो पॉइंट मैं दे रहा हूँ आपके लिए, अनुस्वार वाला दे दिया, अनुस्वार वाद के बाद अपन लेते हैं फोर नंबर पर। फोर नंबर पर हमने लिया है अनुस्वार के बाद विसर्ग, विसर्ग विसर्ग युक्त वर्ण, विसर्ग युक्त वर्ण है कोई भी, तो वह विसर्ग युक्त वर्ण गुरु माना जाता है। जैसे सा पे लगा दिया मैंने विसर्ग, तो ये वर्ण हालांकि इसमें कोई मात्रा नहीं है, ये कि विसर्ग मतलब क्या हो गया, घे खाली की मात्रा कह सकते हैं, तो ये दीर्घ मात्रा में गिना जाता है। फिर भी मैंने रूस दे दिया कि विसर्ग युक्त वर्ण गुरु माना जाता है, तो इस सह वर्ण को अपन गुरु मानेंगे। नेक्स्ट फाइव नंबर हम लेते हैं, फाइव नंबर, फाइव नंबर मैंने बताया, सुनेंगे ध्यान से देखना है। जैसे विसर्ग युक्त वर्ण हो गया, इसके बाद फाइव नंबर पर अपन लेंगे, फाइव नंबर पर अपन ले लेते हैं, चलो छः त्रय ज्ञान, ये तीन वर्ण हैं, ये तीन वर्ण स्वयं में संयुक्त हैं, ये तीन वर्ण स्वयं में संयुक्त होते हैं, इनका हम संधि विच्छेद करेंगे तो आपको संयुक्त दिखाई देंगे। जैसे हम इनकी अंग्रेजी बनाते हैं, इंग्लिश बनाते हैं, जैसे छः किससे बनता है, के एस एच, त्रय टी आर ए, गज्ञानी जी वाई, ऐसे लिखते हैं ना अपन। तो इसमें के का मतलब हो गया क वर्ण और एस एच का सावर्ण, टी का तावर्ण, आर का रावण, ए से आवर्ण ले सकते हैं अपन इस तरह से, जी यानी गवर्ण और वाई से यावर्ण। तो क्या ये संयुक्त हैं, तो इन संयुक्त वर्णों से, इनसे पहले कोई भी वर्ण यदि आता है तो वह वर्ण भी गुरु माना जाता है। जैसे मैं लिख देता हूँ, मान के चलिए मित्र, मित्र लिख दिया, और मित्र शब्द में देख रहे हैं अपन कि माँ पे छोटी की मात्रा ह्रस्व वर्ण है, ह्रस्व मात्रा है, तो ये लघु ही होना चाहिए, लेकिन ये त्रय त्रिशूल संयुक्त वर्ण है, इस कारण ये वर्ण कैसा हो गया, गुरु वर्ण हो गया। और त्रय त्रिशूल पे कोई मात्रा नहीं है लेकिन ये संयुक्त है, तो ये थोड़ी है संयुक्त है, इस कारण ये गुरु हो जाएगा, नहीं होगा, बशर्ते इस पर दीर्घ मात्रा होना बहुत नेसेसरी है।
वीर मात्रा है तो ही गुरु होगा। ठीक है साहब, ये 5 नंबर दिया मैंने क्षेत्र ज्ञा वाला। इसके बाद मैं देता हूं आपको री वाला, री सुनेंगे। जैसे एक री होता है इस तरह से, एग्जाम्पल में लेते हैं अपन, दे देता हूं मैं एग्जाम्पल इसके री के लिए। जैसे भ्रष्ट, ये री है ना, ये वाला, तो ये री है। इस री के माध्यम से भी क्या है, जो वर्ण होता है वह संयुक्त माना जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये री मैंने बताया है, तो ये री के माध्यम से ये भावर्ण है, ये संयुक्त वर्ण है। इससे पहले कोई वर्ण है, हैं, इससे पहले कोई वर्ण है तो वह गुरु माना जाएगा, है ना। जैसे ये री है, इसके बाद कोमा लगा के दूसरा री होता है ऊपर वाला, ऐसे फुर वाला री होता है, है ना। जैसे हमने एग्जाम्पल दे दिया, लिखते हैं शब्द फुर लिख दिया, तो ये रा पर क्या है, री लगा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि ये वर्ण क्या हो गया, संयुक्त हो गया। तो ये वाला, इस पर कोई दीर्घ मात्रा नहीं है, तो ये क्या है, गुरु वर्ण माना जाएगा, है, ये हो गया साहब। जैसे ये गुरु वर्ण हमने मान लिया था, किस कारण, इस इससे पहले वाला वर्ण, ये नहीं। जैसे अभ्रष्ट कर देते अपन इसको, एग्जाम्पल मान लेते हैं अभ्रष्ट, तो क्या है कि ये संयुक्त हो गया, तो ये क्या है, गुरु वर्ण माना जाएगा। ठीक है ना साहब। इसके बाद तीसरा री होता है, तीसरा री होता है ये उल्टे वाला, ऐसे वाला, और इसको अपन कह सकते हैं, इसका एग्जाम्पल है हम पृष्ठ, इसको अपन सपृष्ठ कह देते हैं, मान लीजिए सपृष्ठ। तो ये इस पे भी री लगा हुआ है, लेकिन ये जो री है, इस री के माध्यम से जो अगला वर्ण होता है वह क्या, गुरु नहीं बन सकता, क्योंकि इससे यह संयुक्त नहीं माना जाता है। तो कहने का मतलब है, ये जो री पाया जाए तो गुरु है, ये री पाया जाए तो गुरु है, लेकिन ये री पाया जाता है तो वह गुरु नहीं माना जाता है। तो ये पॉइंट हो गया अपना, कौन से वाला, 6 नंबर वाला, री वाला। अब हम बात करें 7 नंबर, 7 नंबर बात करते हैं अपन। 7 नंबर में बात है, यदि कोई भी छंद है, कोई भी छंद का चरण है, उस चरण के अंतर्गत यदि किसी वर्ण पर हलंत आ जाता है, जैसे एग्जाम्पल देता हूँ मैं, हलंत वाला पद्माकरम, पद्माकरम, इस पद्माकरम में आप देखिए बच्चों कि ये दावड़ है, इस पे हलंत लग गया। हलंत यदि किसी वर्ण पर लग जाता है तो वह वर्ण आधा हो जाता है। इसका मतलब ये दा में माँ के साथ, दा को माँ के साथ जोड़ देंगे तो ये क्या हो गया, संयुक्त वर्ण हो गया। तो संयुक्त वर्ण होगा तो इससे पहले वाला वर्ण है पा, ये गुरु माना जाएगा। हलंत वाला वर्ण यदि बीच में हलंत आ जाता है, किसमें, छंद, जो छंद का चरण होता है, छंद की एक लाइन होती है, उसके अंतर्गत यदि मान के चलिए हलंत वाला वर्ण आ जाता है, हैं, तो उससे पहले वाला वर्ण गुरु मान लिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं अपन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, लिखेंगे चरण के अंत में, 8 नंबर है चरण के अंत में। चरण के अंत में चरण होता है छंद का, छंद की एक लाइन, एनीबडी कोई भी श्लोक है उसकी एक लाइन। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ छंद का, तो अपन छंद जब स्थिति में रखेंगे, जैसे छंद में बोलता हूँ शांताकारम भुजग सैनम पदम नामम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघ वर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योग मृध्यानगम्यम वंदे विष्णु भवे हरम सर्वलोकैकनाथम। तो बच्चों ये क्या है, एक छंद है, श्लोक है, और हम आपको श्लोक पर या छंद पर गढ़ चिन्ह लगाना आपको सिखा रहे हैं। उसमें मैंने आपको रूल्स जो भी बताए, इन रूल्सों को आपको फॉलो करना है।
तो उसमें बताया मैंने नेक्स्ट कि आठवां पॉइंट्स दिया है मैंने आपको चरण के अंत में। चरण के अंत में क्या पोजीशन रखनी है कि ये रूल्स होता है, चरण के अंत में हम लघु को गुरु और गुरु को लघु अपन कर सकते हैं। ये खुली निविदाएँ होती हैं हमारे लिए। यदि अपना अपना जो जो भी रूल्स है उसका कोई भी यदि छंद है, छंद का हमें लक्षण पोजीशन है, लक्षण पोजीशन के आधार से वह आता है क्या गुरु, लेकिन हमारे हमने जो गढ़चिन्ह लगाए उसमें लघु आ रहा है तो अपन नियम अनुसार उसको लघु को गुरु और गुरु को लघु कर सकते हैं। तो उसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, लिखें सभी लिखेंगे, बता देता हूँ। जैसे शांताकारम भुजग शयनम पदम नामम सुरेशम सुरेशम। ये छंद का एक चरण है, इस पर हमें गढ़चिन्ह लगाना है, गढ़चिन्ह लगाने और गढ़चिन्ह लगा करके गढ़ का नाम लेना है। और गढ़चिन्ह कैसे लगाते बच्चों सुने कि हमें कोई भी छंद का एक चरण है उस चरण में शुरुआत से लेंगे अपन, तो अपन तीन वर्ड ज्वाइंट करेंगे और ये तीन वर्ड हो गए कातक, ठीक है ना। सा ना इसके साथ आ गया ता और कावड़। तो हम देख रहे हैं ये दीर्घ मात्रा वाला है इसलिए, लेकिन ध्यान रखेंगे कि हमें जो गढ़ है उसको सटीक में करना है, एक ज्वाइंट रूप देना है। थोड़ा सा इधर से इधर कर इधर हो जाते हैं और इधर से पीछे से थोड़ा आगे हो जाते हैं। जैसे इसका गढ़ चिन्ह लगाऊं मैं, जैसे ये लगा दिया मैंने गुरु, ठीक है साहब। इसके लिए तावड़ है, तावड़ पर दीर्घ मात्रा है, इस कारण ये भी गुरुवर्ण हो गया। और इसको भी अपन यहाँ संयुक्त वर्ण था, इसको भी अपन इसके अकॉर्डिंग गुरु कर सकते हैं, लेकिन दीर्घ मात्रा है तो गुरु माना जाएगा। इस कावड़ है, इस पर भी दीर्घ मात्रा है, इस पर भी अपन गढ़चिन्ह ऐसे लगाते दीर्घ हो गया। इसके बाद यहाँ शुरू करते हैं रावण से, रा भू और जा, यावड़ तक क्वेश्चन हो गई। अब लगाइए इस वर्ड पर, देख रहे अपन क्या अनुसार है, तो अनुसार है तो इस कारण ये गुरुवर्ण हो गया। इसके बाद भावड़ है, भा पे छोटे ऊ की मात्रा है, इसका मतलब ह्रस्व मात्रा है, तो ह्रस्व मात्रा वाला दीर्घ नहीं होता है या गुरु नहीं होता है, तो ये लघुवर्ण हो गया। इसके बाद आए जावड़, जावड़ पे कोई मात्रा नहीं है तो ये भी लघुवर्ण हो गया। इसके बाद बात करते अपन ग स य, इस पे तो इन वर्णों पर देख रहे कोई मात्रा है क्या, कोई भी नहीं है, इसके मायने लघु हो गया, लघु हो गया और लघु हो गया। बात कहाँ तक हो गई, या तक। इसके बाद आते हैं नावड़ पर, नावड़ पर क्या है, नावड़ से लेकर के यहाँ तक, ये वर्ड क्या है, इस पर अनुस्वार लगा हुआ है, इस कारण ये गुरुवर्ण हो गया। इसके बाद पावड़ है और इसके बाद ये संयुक्त वर्ण है, संयुक्त वर्ण से पहले वाला वर्ण गुरु माना जाता है, इस कारण ये पावड़ कैसा हो गया, गुरु हो गया। इसके बाद इस वर्ण को देखे संयुक्त है लेकिन दीर्घ मात्रा नहीं है, संयुक्त होने से कोई गुरु नहीं होता है, इस कारण यहाँ पर क्या है, ये वर्ण लघु हो गया। इसके बाद बड़ा अगले थ्री करते हैं, न म और शु, यहाँ तक। यहाँ तो हो गया शांताकारम भुजग शयनम पदम नामम सुरेशम। अच्छा साहब, इसके बाद देखेंगे अपन ये वर्ड न प और यहाँ तक हो गया। इसके बाद चलिए अपन लेते हैं यहाँ तक वर्ड, तो इसमें देखें अपन नावड दीर्घ मात्रा वाला है, गुरु हो गया, ये वर्ड भी गुरु हो गया। इसके बाद ये वर्ड लेंगे, इस वर्ड पर दीर्घ मात्रा नहीं है, तो इस तरह हम क्या है गणों की स्थापना करते हैं। ऐसे हमें गढ़ लगाने हैं, कोई भी एग्जाम्पल हो हमें उसको गुरु लघु की पोजिशन देखनी है। जो मैंने रूल्स आपको लिखाए हैं सभी रूल्सों को आपको फॉलो करना है,
यदि आप सभी रूल्स आपको लर्न हैं, तैयार हैं, तो निश्चित है कोई भी एग्जाम्पल हो उस पर आप गणचिन्ह 100% लगा सकते हैं। और उसमें अपने पास जितने भी छंद आते हैं सिलेबस में, उन सभी छंदों के एग्जाम्पल हमें लेने और सभी पर हमें उसी क्रम से गणचिन्ह लगाने हैं। जो टॉप्स आज मैंने पढ़ाया, यदि वास्तव में आपको लायक है तो आपको लाइक करना ही है, सब्सक्राइब कर देना है, और अपना जो चैनल है उसको भी आपको सब्सक्राइब करना है। यस।